नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इन 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन रहेगा। उसके साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी 2027 में मिलकर चुनाव लड़ेगी। यहां तक कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बनाई है वे अखिलेश के कहने के कारण बनाई है, लेकिन मैं इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकता हूं। हमारे पास इतना बड़ा दावा नहीं है। क्यों लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान देते हैं उससे अखिलेश यादव की पार्टी हो ना तो किनारा कर पाती थी और ना ही समाजवादी पार्टी उस पर कोई कठोर कार्यवाही कर पाती थी। इसको लेकर दोनों की राहें जुदा हो गई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संगठन उस इलाकों में मजबूत कर रहे हैं, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, जहां उनके कुछ लोग हैं और जहां पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मतलब अखिलेश यादव किसी पार्टी के साथ उस तरह का गठबंधन नहीं करेंगे जैसे ओम प्रकाश राजभर के साथ इन्होंने किया था और जयंत चौधरी के साथ इन्होंने किया था। दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया और दोनों नेता भाग गए बीजेपी के साथ। दोनों नेताओं बीजेपी के साथ भाग गए, अपने विधायक जितवाए, समाजवादियों ने वोट दिया लेकिन सब भाग गए। उनको लगा था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी सुफड़ा साफ कर देगी समाजवादी पार्टी का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोलने को वे लोग चाहे जो बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी के सूत्रों से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह से गठबंधन में नहीं रखेंगे। सिंबल रहेगा साइकिल का ही, जिसको भी लड़ना हो 2024 का चुनाव, जिसको इन्होंने लड़ाया साइकिल का सिंबल लड़ाया, 2027 में जिसको भी लड़ाएंगे साइकिल के सिंबल पर ही लड़ाएंगे या कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ऊंचा हार से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए। एक बार 1500 करीब वोट से, एक बार 2500-2600 करीब वोट से, और उसी ऊंचा हार विधानसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य 2 बार विधायक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, क्या क्या नहीं रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री छोड़कर जान लीजिए लगभग सब कुछ रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बताया जा रहा है कि ऊंचा हार विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव कब होगा? मनोज पांडे इस्तीफा देंगे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कार्यवाही करेगी और उस ऊंचा हार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी एक ऐसे मौर्य को चुनाव लड़ाना चाहती है कि जो पूरे प्रदेश में संदेश चला जाए। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचा हार से हार जाएंगे, लेकिन देखिए हम तो भाई आंकड़ों के ऊपर बोलते हैं। एक बार इनका बेटा 2500 से हारा, एक बार 1500 से हारा बसपा से जब लड़ा तब अशोक मौर्य, उसके बाद अभी जब चुनाव हुआ, जब राहुल गांधी चुनाव वहां से लड़े, राहुल गांधी, बीजेपी की हालत इतनी नाजुक थी कि केवल 10 बूथों पर बीजेपी चुनाव जीत पाई। केवल कितने बूथों पर? 10 बूथों पर। लगभग 300 बूथ होते हैं एक विधानसभा के अंदर, केवल 10 बूथों पर बीजेपी चुनाव जीत पाई है। जो बीजेपी के समर्थक हैं वे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतेगी ऊंचा हार का, या स्वामी प्रसाद मौर्य कभी चुनाव नहीं जीतेंगे, तो ऐसा नहीं है। वोट वहां पर जो है यादव है, काम भर के यादव हैं, मुस्लिम भी काम भर के हैं, मौर्य हैं, पासी हैं, अन्य वोटर भी वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं वहाँ पर हैं, और इसी बात का संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला है। बाकी कहने को लोग चाहे जो कहें। आपकी क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें भी एक चीज़ गलत लगती है कि बेटा कांग्रेस में, पिताजी RSSP बनाए हैं और बेटी भाजपा में,
इन सब चीज़ों को लेकर मुझे भी दिक्कत होती है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबर हमारा बताना काम है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।